हाय सागर ब्रो, हाउ आर यू? हाँ जी, गुड इवनिंग सीनियर, हाउ गुड आर इवनिंग यू? ब्रो, हाउ आर यू? फाइन सर, हाउ आर यू? ओके ओके ओके, कैसा चल रहा है काम वाम कुवैत में? बस दो आए सर आपकी। इंडिया कब आना है? इंडिया नहीं आना है जी, इंडिया नहीं आना है? इंडिया नहीं आना है। सो अभी कुवैत से यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का लगो, ऑस्ट्रेलिया का यहाँ से प्रिपरेशन लग करना है। आज। हाँ सोचता सही रहा आज। अभी जॉब चल रहा है कंटिन्यू? क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर रहे हो? हाँ बस अब मेरी शिफ्ट हो गई, 7 से 4 है, तो अब मैं कंटिन्यू ही करूँगा जी। ओके, कोई बात नहीं। तो रीड अलाउ करके और दिखाओ, बताओ मुझे आप, चेक कर दो। सब बिल्कुल ठीक है? बढ़िया। या ओली गुड ब्रो, रीड अलाउ आपकी स्क्रीन पे है, रेडी करके दिखाओ, देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, काफी टाइम बाद क्लास में आए हो। हाँ जी, 1 मिनट सभी सर। स्टूडेंट्स रीड अलाउड रेडी करो। सबसे मुश्किल टास्क जो बच्चे बोलते हैं कि सर रीड अलाउड नहीं हो रहा, प्रैक्टिस करवाओ, कैसे स्कोर आएगा प्यूनी पर, हाँ जी, आपका 88 आ रहा, आपका 85 आ रहा, सबसे मेरा क्यों नहीं आ रहा? दिस इज द मेन क्वेश्चन। सही बात है, सबसे मुश्किल है सर ये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पढ़ के दिखा देता हूँ एक बार, ध्यान से सुनो क्या स्पीड है, क्या प्रोनंसिएशन है, क्या क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स है। सो लेट्स चेक, ओनली 3 सेकेंड्स आर लेफ्ट। यस, स्टार्ट नाउ। श्योर। प्रोग्रामिंग इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम सो दैट अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट द सोल्यूशन। मच ऑफ द एफर्ट इन प्रोग्रामिंग इज स्पेंट फाइंडिंग एंड डिफाइनिंग सोल्यूशन। ऑफन अ प्रॉब्लम इज ओनली फुली अंडरस्टूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग अ सोल्यूशन फॉर इट। यस, सभी ने चेक किया कंटेंट परनेशन एंड फ्लुएंसी। आप क्या करते हो? फ्लक्चुएशन करते हो, इनोटेशन करते हो, इनोटेशन इन द सेंस कि ऊपर नीचे वर्ड्स को। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट प्रोग्रामिंग इज द आर्ट ऑफ, बीच में रुक जाओगे, प्रोग्रामिंग आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग सोल्यूशन। मुंह के अंदर प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को, बाहर को निकालते ही नहीं है। रिकॉर्डिंग के ही मार्क्स हैं, आप वर्ड्स क्लियर नहीं बोलोगे स्कोर नहीं आएगा। हरप्रीत, समझ आ रहा है आप क्या करते प्रोग्रामिंग इज द हो? आर्ट ऑफ नेचुरली एक्सप्रेसिंग क्लियर सोल्यूशन नहीं टू बोलते हो, प्रॉब्लम यू आर सो दैट अ 88, आपके सामने ही है। सो आपको जस्ट चाहिए 70 मार्क्स हैं, आई गोट 88। सो यू एनालाइजिंग योर सेल्फ, आपका क्या लेवल है, वाई यू आर लैकिंग। लुक एट द प्रोनंसिएशन, 87, फ्लुएंसी 89। सागर भाई कितने आते हैं? कुवैत में रहते हो यार, सर, क्या 5 6 सालों से इंग्लिश तो क्या करते हो आप इम्प्रूव इसका? होनी चाहिए। 88, माय गॉड, क्या मेरे तो करता हूँ 60 से मैं? ऊपर ही नहीं आते। आई एम ह्यूमन बीइंग, नॉट अ रोबोट और एलियन। ओके, आपके जैसे ही हूँ एवरी टाइम, पर्सनली आप, एवरी। आपके तो कुछ ज्यादा ही आ जाते हैं। सर रीड अलाउड तो नहीं आते, सर टेन में कदे भी नहीं आए। चलो आप पढ़ के दिखाओ, बताता हूँ क्यों नहीं आते आपको फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सो रेडिट फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चे बोलेंगे एक बार ध्यान से। फर्स्ट स्टूडेंट इज हरप्रीत, रेडिट ओनली 5 6 सेकंड्स के बाद बोलना शुरू कर देना आप। ओके सर। प्रोग्रामिंग इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग सोल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स सो दैट अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट दो सोल्यूशंस। मच ऑफ द एफर्ट इन प्रोग्रामिंग इज स्पेंट फाइंडिंग एंड रिफाइनिंग सोल्यूशंस। ऑफन अ प्रॉब्लम इज ओनली फुली अंडरस्टूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग अ सोल्यूशन फॉर इट। सो द मेन एरर, हरप्रीत आप क्या कर रहे हो? सिंगल सिंगल वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हो। प्रोग्रामिंग इज आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। फर्स्ट टिप एंड ट्रिक्स इज वर्ड क्लियर बोल रहे हो, बट आपको ग्रुप्स के अंदर वर्ड बोलना है। आप सिंगल सिंगल वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हो कि प्रोग्रामिंग इज आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। आपको ये वर्ड सामने वाले को समझाने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं, इन्फ्लुएंस करना है किसी को, उस तरीके से बोलना है। ठीक है सर, पढ़ते सब है, रीड सब करते हैं, बट रीडिंग करने का वे होना चाहिए। दैट्स ठीक है सर। वाई यू आर अटेनिंग 40 to 50 एंड मैक्सिमम 60, एंड आई गोट 88 इन फ्रंट ऑफ यू। आप क्या कर रहे हो? सिंगल सिंगल वर्ड बोल सही रहे हो, मतलब प्रोनंसिएशन ठीक है सारे वर्ड्स की, सिंगल सिंगल वर्ड है। ओनली फुल स्टॉप कॉमा पे पॉज दीजिए। ठीक है सर। अब इसको पढ़ के दिखाई, मेरे को फर्स्ट लाइन बोल के दिखाई, प्रोग्रामिंग से लेके सॉल्यूशंस तक। चलो प्रोग्रामिंग इज दी प्रोग वाई वाई और पॉजेस टेक, क्या कर रहे हो आप? रुक क्यों रहे हो? रुकना नहीं है। प्रोग्रामिंग इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम सो दैट अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे रुकना है, उससे पहले नहीं रुकना आपने। सागर भाई डू इट। श्योर सर, रेडी सर?
या प्रोग्रामिंग इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स सो दैट ए कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट दोस सॉल्यूशंस. मच ऑफ द एफर्ट इन प्रोग्रामिंग इज बाय फाइंडिंग एंड डिफाइनिंग सॉल्यूशंस. ऑफन ए प्रॉब्लम इज ओनली फुली अंडरस्टूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सॉरी ये नहीं करना, हेजिटेशन फंबलिंग नहीं करनी है. मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था जो आपने क्लास शुरू करी थी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एंड रियल एग्जाम पीएसएन के अंदर कितना स्कोर आपका आता है, यहां पे कितना आ रहा है. मैं आपको इसको आपके तरीके से बोल के दिखाता हूँ. आप क्या करते हो, बोलते सही हो, बीच में रुक जाते हो, बोलते बोलते रुकना नहीं है. लुक एट हियर, जैसे आप कर रहे थे ना, मैं आपके वैसे बोल के दिखाता हूँ. देखो, प्रोग्रामिंग इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम सो दैट अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट द सॉल्यूशन. मच ऑफ द एफर्ट इन प्रोग्रामिंग इज स्पेंट फाइंडिंग एंड डिफाइनिंग सॉल्यूशन. ऑफन आर पूली अंडरस्टूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन फॉर इट. आप ऐसे बोलते हो, आपको समझ आ गया होगा. जैसे मैंने बोला, आपको रिकॉर्डिंग हुई है. सो किसी का सुनना बहुत इजी है, खुद करना बहुत मुश्किल है. आपको लगता होगा कि मैं बहुत इजीली कर रहा हूँ, आई गॉट 88 फिर भी स्कोर आ रहा है. आपको लगता है कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ फिर भी मेरा 60 आ रहा है. सो आप पूछ रहे हो सर डिफरेंस क्या, आपका 88 मेरा 60 आ रहा है. अभी भी मेरा 74 है. मेक श्योर मैं जो बोल रहा हूँ क्लियर बोल रहा हूँ. एंड मैंने समटाइम फंबलिंग करा है, मेरा फंबलिंग का ही मार्क्स कट, दैट्स माय प्रोनंसिएशन कंटेंट इज नॉट गुड. मेरा एक ही रूल है, अगर मैं वर्ड गलत बोलता हूँ इन्फ्लुएंसी नहीं छोड़ता हूँ. आपको फ्लुएंसी बोलना, फ्लुएंट बोलना है बिल्कुल एक परफेक्ट मैनर के अंदर, ठीक है. अगर आप रुक रुक के बोल रहे हो, मतलब फ्लुएंसी तोड़ रहे हो, तो आपको वर्ड क्लियर बोलने हैं. एक ही चीज़ है, या तो आप वर्ड क्लियर बोलो देन फ्लुएंसी मत तोड़ो. अगर फ्लुएंसी तोड़ रहे हो तो वर्ड मत, वर्ड सारे क्लियर बोलो, ठीक है. श्योर, आप दोनों गलतियाँ करते हो, दैट्स वाई आपका स्कोर 40-45. Still struggling maximum bachche sir, why I got 60, why not 88, why not 80. Understand, thoda sa right. Book reading kiya karo, har ek word clear padho, definitely improvement hoga, theek hai.